सब बड़ी बड़ी विकास का बात करते हैं, एक सैनिटरी पैड तो गरीबों को दे नहीं सकते। फिर प्रकट हुए अर्थी बाबा, अखिलेश के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव, शमशान में बनाएंगे चुनाव कार्यालय। नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। गले में सैनिटरी पैड की माला और अर्थी पर बैठा ये शख्स राजन यादव है। राजन यादव को लोग इनके असली नाम से कम और अर्थी बाबा के नाम से ज्यादा जानते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से इस वक्त सबसे हॉट सीट बनी हुई है आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2019 लोकसभा चुनाव में इसी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अखिलेश को आजमगढ़ से हराने के लिए बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा है। तो वहीं अब राजन यादव यानी अर्थी बाबा भी अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ाने जा रहे हैं। गोरखपुर के रहने वाले अर्थी बाबा अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। अर्थी पर बैठकर चुनाव प्रचार करने की वजह से चर्चा में रहने वाले राजन यादव का कहना है कि सपा भाजपा के कार्यकाल में जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ है। जो है सभी नेताओं को बड़े बड़े चाहे मोदी हो, अखिलेश हो, मायावती, कोई भी हो, सबको माला पहना दीजिए ताकि ये लोग सैनिटरी पैड को पहचान सके। अर्थी बाबा प्रचार के लिए अर्थी पर बैठकर निकलते हैं। वो अर्थी पर बैठे रहते हैं और चार लोग अर्थी को कंधे पर लेकर घूमते हैं, इसीलिए लोग उन्हें अर्थी बाबा कहते हैं। राजन यादव आजमगढ़ में अपना चुनाव कार्यालय शमशान में खोलेंगे। अखिलेश यादव के खिलाफ अपनी जीत पक्की करने के लिए राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा चिताओं की पूजा करते हैं और शवों से अपनी जीत के लिए उनकी आत्माओं को जगाने का काम कर रहे हैं। अर्थी बाबा नामांकन से पहले अघोरी बाबाओं से मिलकर उनसे अपनी जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। गौरतलब है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अर्थी बाबा चुनाव को लेकर चर्चा में है। इससे पहले वो राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर खूब चर्चा में थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में चौरी चौरा से राजपाल यादव की सर्व संभाव पार्टी से मैदान में उतरे थे। आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहा हूँ। अरे हम भी आ ही रहे हैं। कोई है क्या? राजन जी चुनाव आजमगढ़ से लड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या है? सुरक्षा के दृष्टि से ही खुलाना पड़ा। लीजिए, कैंडिडेट तो सब बराबर होता है, या फिर कहीं कहीं उनको डर है तभी ना यादव होके। मैं भी यादव हूँ, इसीलिए खतरा। बनारस क्यों नहीं लड़ रहे हो? हमने कहा जहाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र वहीं लड़ेंगे। हम इसीलिए यहाँ गोरखपुर नहीं लड़े, यहाँ का जो करना था मैंने किया, अब आजमगढ़ का भी विकास करना। आजमगढ़ में सब बाहरी पड़ते हैं। पीछे आ जाओ यार, नहीं बात दो चार दिन उठा दे बने। आप पानी नहीं पीना तुरंत तुरंत। जो है सभी नेताओं को बड़े बड़े चाहे मोदी हो, अखिलेश हो, मायावती, कोई भी हो, सबको माला पहना दीजिए ताकि ये लोग सैनिटरी पैड को पहचान सके। राम राम नाम सैनिटरी पैड का यही सैनिटरी पैड का यही भारत के नेताओं का यही राम नाम सभी संसद प्रत्याशियों का यही राम नाम सैनिटरी पैड का यही पैड सभी नेताओं को बनाए। खाली बिल्कुल सटल है।
सैनिटरी पैड तो दे नहीं सकते, विकास की बात। नेता है ये सब बड़ी बड़ी विकास की बात करते हैं, ये सैनिटरी पैड तो गरीबों को दे नहीं सकते, ये कहते हैं मैं बहुत बड़ा उनके लिए। पीछे आ जाओ यार, सही बात, दो चार दिन उठा दे बने आप पानी नहीं पीना तुरंत तुरंत। जो है सभी नेताओं को बड़े बड़े चाहे मोदी हो अखिलेश हो मायावती कोई भी हो सबको माला पहना दीजिए ताकि ये लोग सैनिटरी पैड को पहचान सके। राम राम नाम सैनिटरी पैड का यही सैनिटरी पैड का यही भारत के नेताओं का यही राम नाम सभी संसद प्रत्याशियों का यही राम नाम सैनिटरी पैड का यही पैड सभी नेताओं को बनाए भारत के सभी नेता महाचोर नेता ये सैनिटरी पैड तो दे नहीं सकते, विकास की बात। नेता है ये सब बड़ी बड़ी विकास की बात करते हैं, ये सैनिटरी पैड तो गरीबों को दे नहीं सकते, ये कहते हैं मैं बहुत बड़ा उनके लिए। चुनाव आजमगढ़ से लड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या आइए सुरक्षा के दृष्टि से ही खुलाना पड़ा। लीजिए कैंडिडेट तो सब बराबर होता है, या फिर कहीं कहीं उनको डर है तभी ना याद हो, मैं भी याद हूँ इसीलिए खतरा। बनारस क्यों नहीं लड़ रहे हो? हमने कहा जहाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र तो वहीं लड़ेंगे, हम इसीलिए यहाँ गोरखपुर नहीं लड़े, यहाँ का जो करना था मैंने किया, अब आजमगढ़ का भी विकास करना, आजमगढ़ में सब भारी पड़ते। आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहा हूँ, हम भी आ ही रहे हैं। कोई है क्या? राजनीति चुनाव आजमगढ़ से लड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या आइए सुरक्षा के दृष्टि से ही खुलाना पड़ा। मैं आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहा हूँ। लीजिए कैंडिडेट तो सब बराबर होता है, या फिर कहीं कहीं उनको डर है तभी ना याद हो, मैं भी याद हूँ इसीलिए खतरा। बनारस क्यों नहीं लड़ रहे हो? हमने कहा जहाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र वहीं लड़ेंगे, हम इसीलिए यहाँ गोरखपुर नहीं लड़े, यहाँ का जो करना था मैंने किया, अब आजमगढ़ का भी विकास करना, आजमगढ़ में सब भारी पड़ते। मैं आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहा हूँ, हम भी आ ही रहे हैं। कोई है क्या? राजनीति चुनाव आजमगढ़ से लड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या आइए सुरक्षा के दृष्टि से ही खुलाना पड़ा। उठाओ
मैं आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहा हूँ।